जिला शिक्षा अधिकारी को मुस्लिम समाज और दारुल उलूम जमातिया के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया ज्ञापन। बताया उन पर लगाए आरोप मनगढ़ंत और निराधार हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, जहां पिछले मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में कुछ दो चार मुस्लिम व्यक्तियों ने ग्रीनफील्ड स्कूल की मान्यता रद्द करने बाबत शिकायत की थी। जिस शिकायत के संबंध में आज मुस्लिम समाज के व्यक्तियों और अंजुमन इस्लामिया सचिव जावेद खान, ग्रीनफील्ड इंग्लिश स्कूल के संचालक दारुल उलूम जमातिया के अध्यक्ष वकील खान, फारूक अली, रफत खान, जावेद खान, अब्बास अली, मोनू खान, राजा खान एवं अन्य लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को आज एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में एक ही स्कूल संचालित है। दूसरा जो JTS स्कूल पहले चलता था, उस स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है जो अब संचालित नहीं है, और उस बिल्डिंग में केवल ग्रीनफील्ड स्कूल ही संचालित है, जिसको जो भी लॉन्च करना हो या जो भी जांच करनी हो जब चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किस संबंध में ज्ञापन दिया है और क्या मांग है? भाई हमने फेसबुक पे देखा था तो कुछ दो तीन लोगों ने कलेक्ट्रेट में जाके एक ग्रीनफील्ड स्कूल के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि वो आवेदन सरासर गलत है। इसलिए कि मैं उसी वार्ड का पार्षद हूँ और उस स्कूल में 400 बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा पाते हैं, है ना। अब इतना अच्छा स्कूल जो चल रहा है उस बोर्ड में, हमारे बोर्ड में, और इसमें कुछ गलत फहमियाँ लोगों को हो गई हैं, उनको अपनी गलत फहमियाँ दूर करना चाहिए, क्योंकि समाज में जो इतने बेहतर स्कूल नहीं आया अभी तक, और जो स्कूल चल रहा है और जो इन्होंने आवेदन दिया है कि दो या तीन स्कूल चल रहे हैं, उसमें दो या तीन स्कूल नहीं हैं, ओनली दो स्कूल है वहाँ पर, बिल्डिंगे हैं, और वो बिल्डिंग जो बनाई गई है वो सभी समाज के लोगों के द्वारा बनाई गई है। इसमें सांसद कोटे से, सांसद निधि से भी पैसा लगा है, विधायक निधि से भी लगा है, चेयरमैन की तरफ से भी लगा है। जो लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं उनको इस चीज़ से बचना चाहिए, और उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया बच्चों का भविष्य खराब ना करें। नाम अब्दुल रहमान है और बड़ी यूनिवर्सिटी में एडवोकेट रहता हूँ, और ये जो मदरसा है, जो दारुल उलूम है, जो संस्था है, इसके खिलाफ़ कुछ लोगों से पता चला है कि इसके अनियमितताओं के लिए कुछ जानकारियाँ दी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक हमारे पास दो बिल्डिंगें हैं, उन्होंने लिखा है कि एक बिल्डिंग में तीन तीन स्कूल चलाए जा रहे हैं और ये अवैध है, और इन स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए। लिहाजा इस बार में जानकारी जो दी गई थी, उस जानकारी के लिहाज से हम लोगों ने भी जानकारी दी है श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी को कि आपके द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई जाती हैं इनका निरीक्षण किया गया है, और संस्थाएं आपकी वैध, हमारी संस्थाएं वैध हैं, और जो हमारे पास बिल्डिंग है अपनी अपनी बिल्डिंग में, अपनी अपनी बिल्डिंग में मदरसा चलाए जा रहे हैं। लिहाजा इसकी इंक्वायरी करके जो भी भ्रामक सूचनाएँ दी जा रही हैं, जो भी गलत आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो उसका निराकरण करें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि गबन है, लेन देन में गड़बड़ी है, लिहाजा आपके द्वारा ऑडिट और निरीक्षण किया जाता है, इसका स्पष्टीकरण करके आपने डी ऑफिस में आज आवेदन दिया है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हम हमारी संस्था सही है, और इन लोगों ने जो दिया है वो गलत है, वो भ्रामक है। उन्हें उन लोगों ने दिया है पूरी मुस्लिम समाज की तरफ से कि मुस्लिम समाज को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, मुस्लिम समाज के पैसे को खुर्दबुर्द कर रहे हैं, इसलिए उसका इंक्वायरी कर लिया जाए, और उसका हमारा जो जो सही हम लोग चल रहे हैं उसके सर्टिफिकेट दिया जाए कि हम लोग सही। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ज्ञापन दिया है, हाँ, आपकी छवि धूमिल हुई है, तो उनके खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई की? देखिए, पहली बात तो उन्होंने हमारी पूरी संस्थाओं और बच्चों के एजुकेशन के ऊपर एक आक्षेप लगाया है, वो एक निंदनीय है, तो निंदनीय है। लेकिन अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये है, एक बार इंक्वायरी हो जाए, एक बार निरीक्षण हो जाए, तब पता लग जाए। हो सकता है कि किसी गलत फहमी की वजह से, किसी गलत सोच की वजह से उन्होंने किया हो, एक बार उनको सुधरने का मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं करेंगे तो मानहानि का दावा करेंगे और उनके खिलाफ उनके जो भी कानूनी कार्रवाई अच्छी से अच्छी हो सकती थी करेंगे, लेकिन उनको अब भी हम लोग ये चाहते हैं कि वो समझ लें, और अगर उन्हें किसी तरह से हम लोगों को या कमेटी की तरफ से किसी तरह की हम लोगों को शिकायत है तो आके बात करें और समझें कि क्या दिक्कत है। हमें पूरी छतरपुर समाज का पूरा खुला मंच है, पूरी संस्था है, आके देखें और उसके संबंध में जानकारी। सचिव अंजुमन इस्लामिया छतरपुर, किस उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? ग्रीनफील्ड स्कूल जो चल रहा है उसके खिलाफ कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था कि ये गलत तरीके से संचालित हो रहा है और इसकी मान्यता समाप्त की जाए,
तो आज सारे समाज के लोगों ने, सारी कमेटियों के लोगों ने इकट्ठा होकर आकर डीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि जो भी स्कूल ग्रीन फील्ड स्कूल चल रहा है वो सही चल रहा है और इसका पूरे समाज इसका समर्थन कर रहा है और सारे समाज के बच्चे और भी सर्व समाज के बच्चे इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 400 से 450 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। उनके भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि आज इसके जिन लोगों ने जो ज्ञापन दिया उसके खिलाफ यहाँ आके अपना विरोध दर्ज कराएँ और आके अपना विरोध दर्ज कराएँ और ज्ञापन दिया है कि इसकी सही जाँच कराई जाए, इसके बाद कोई सही निर्णय लिया जाए। अभी आप लोग ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं, डीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जिनने ये ज्ञापन दिया है उनको भी तलब किया जाएगा और आपको भी बुलाया जाएगा, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जो भी सही होगा दोनों पक्षों को सुनकर जो सही निर्णय होगा वो लिया जाएगा और यही उम्मीद है डीओ साहब से, शिक्षा अधिकारी से अपने, के जो भी फैसला लेंगे सही और जनता के हित में फैसला लेंगे। देखिए, एक स्कूल है ग्रीन फील्ड, तो इस स्कूल में के खिलाफ एक आवेदन आया हुआ था जन सुनवाई में, जिसमें कुछ लोगों ने आके समाज के व्यक्तियों ने कहा था कि वो स्कूल अवैधानिक है और जहाँ पर वो स्कूल चल रहा है एक ही भवन में तीन तरह के विद्यालय चल रहे हैं, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आज ये दूसरा ग्रुप आया हुआ है जिनका कहना है कि नहीं, हमारा जो विद्यालय है वो एक भवन में एक ही चल रहा है और वैधानिक है, तो इसके लिए हमने एक जाँच समिति बनाई हुई है। जाँच समिति जाके वहाँ पर जाँच करेगी, दोनों पक्षों को बुलाएगी और फिर उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। हम आप सबको ये बता दें कि हमारा मकसद ये है कि स्कूल कहाँ भी चल रहा हो, स्कूल बच्चों की बेहतरी के लिए है, और अगर दो ग्रुप आपस में झगड़ कर उसको विवादित कर रहे हैं तो उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर उसमें किसी तरह की कमी नहीं है तो उनको ये नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कमी है तो निश्चित तौर पे स्कूल के खिलाफ हम कार्रवाई। सर, उसमें उल्लेख भी किया गया था मान्यता को लेकर, तो वो तो मानता है कि नहीं है जी, वहाँ पे मान्यता है कि नहीं है? नहीं, अब वो सारी चीज़ें जांच के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है। अभी तो जांच जब आएगी कौन सा विद्यालय कौन सा क्या है ये सब है, वो सब जाँच के निष्कर्ष के बाद आपको बताएंगे। अगर कोई भी चीज़ कोई भी विद्यालय अवैधानिक चल रहा होगा तो भी कार्रवाई करेंगे, ठीक है, और अगर वैधानिक चल रहा है और सही है तो उसका साथ न्याय करेंगे। रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।